तमिलनाडु, तमिलनाडु में नहीं हटेगा तंबाकू गुटखा से बैन, अगले एक साल के लिए बढ़ाया गया प्रतिबंध। मणिपुर, मणिपुर को फिर दहलाने की बड़ी साजिश नाकाम, सेना ने पकड़ी ग्रेनेड शॉटगन से भरी कार, कई हथियार बरामद। INSV, समुद्री यात्रा से लौटे INSV तारिणी चालक दल का भव्य स्वागत, 7 माह में की 17,000 मील की यात्रा। COVID-19, देश में पिछले 24 घंटे में 552 नए केस आए सामने। MP, रेत के अवैध कारोबार से जुड़े लोगों ने पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, वीडियो वायरल। नए संसद भवन का उद्घाटन समारोह में आप, तृणमूल समेत कई विपक्षी दलों के शामिल नहीं होने का अनुमान। बिहार के मोतिहारी में सोते हुए लोगों पर फेंका गया तेजाब, 4 घायल। UP, कन्नौज के इत्र कारोबारी पर कस्टम विभाग ने लगाया 7 लाख रुपए का जुर्माना। नया पासपोर्ट बनवाने को लेकर NOC के लिए कोर्ट पहुंचे राहुल गांधी, दिल्ली की अदालत में आज सुनवाई। पाकिस्तान को अपने अंदरूनी हालात पर ध्यान देना चाहिए, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की सलाह। मध्य प्रदेश, कुनो नेशनल पार्क में मादा चीता ज्वाला के 2 महीने के शावक की मौत। दिल्ली के CM केजरीवाल आज उद्धव ठाकरे से करेंगे मुलाकात, केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ समर्थन की मांग। गुजरात हाई कोर्ट, मारपीट के 21 साल पुराने मामले में दिल्ली LG को राहत, आपराधिक मुकदमा चलाए जाने पर लगाई रोक। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे, नई संसद प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता का प्रमाण है, इस नए संसद भवन को बनाने में 7,000 श्रमयोगियों ने अपना योगदान दिया। CM शर्मा, असम CM ने अरविंद केजरीवाल को याद दिलाया वादा, बोले अब तक नहीं मिला केजरीवाल से डिनर का न्योता।